सर, क्या आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं? हमारे बैंक आपको लाइफ टाइम के लिए एक फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है, क्या आप इसे लेना पसंद करेंगे? अगर आप 18 साल से ऊपर की एज के हैं, तो आपसे ये सवाल कई बार पूछा गया होगा, या फिर आप ऑलरेडी एक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, या आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज करके एक डेब्ट ट्रैप में फंसे हुए हैं। अगर इन तीन में से कोई भी सिचुएशन आपसे मेल खाती है, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड के बारे में A to Z तक सब सीखेंगे, और उसके साथ ये भी सीखेंगे कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड के कुछ बेनिफिट्स चालाकी से यूज कर सकते हैं, जो कि किसी और तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इस लाइफ प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं। पर उससे पहले, अगर आप इस टॉपिक के बारे में मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर आप मेरे साथ एक 1-to-1 वीडियो कॉलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। डेबिट कार्ड बैंक में आपके सेविंग्स अकाउंट से लिंक होता है, तो आप डेबिट कार्ड से उतना ही पैसा खर्च कर सकते हैं जितना आपके सेविंग्स अकाउंट में होगा। पर सेविंग्स अकाउंट का क्रेडिट कार्ड से कोई लिंक नहीं होता। इस केस में आपके इनकम के बेस पर बैंक आपको क्रेडिट लिमिट देता है, और आप हर महीने उस मैक्सिमम अमाउंट तक अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च कर सकते हैं, चाहे आपके पास बैंक में उतना पैसा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आसान शब्दों में, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन देता है ताकि आप अपनी डेली नेसेसिटी पर खर्चा कर सके। तब हर महीने की एक फिक्स डेट पर ड्यू डेट के साथ जनरेटेड एक बिल दिया जाता है, और आपको वो बिल ड्यू डेट से अंदर जमा करना होता है। और अगर आप ड्यू डेट के अंदर बिल जमा नहीं कर पाते, तो आपको 35-45% पर एनम रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। उसके साथ लेट फी पेमेंट और दूसरे हिडन चार्जेस भी ऐड किए जाते हैं। तो अगर आप पैसा टाइम पर वापस नहीं कर पाते, तब आप पूरी तरह से फंस जाते हैं, जिसे डेब्ट ट्रैप भी कहा जाता है। अब चलिए उन मिस्टेक्स को देखते हैं जो ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, स्पेंडिंग आउट ऑफ कैपेसिटी। अगर आपकी एबिलिटी 10,000 rupees पर मंथ अर्न करने की है, तो बैंक आपको शायद आपके क्रेडिट कार्ड पर 1,00,000 की क्रेडिट लिमिट देगा, क्योंकि बैंक ये चाहता है कि आप अपने कैपेसिटी से ज्यादा पैसे खर्च करें, ताकि आप उन पैसों को ड्यू डेट से पहले वापस नहीं कर पाए और आप डेब्ट ट्रैप के अंदर आ जाए, क्योंकि उसी से बैंक बहुत सारा प्रॉफिट कमा पाएगा। फैक्ट ये है कि जब हम में से कुछ के पास ज्यादा पैसा हाथ में आ जाता है, तो बहुत सारे अपना लालच रोक नहीं पाते और अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा खर्च कर देते हैं, और इसी तरीके से बैंक इजीली हमें इस क्रेडिट कार्ड ट्रैप का विक्टिम बना देता है। प्रॉब्लम नंबर 2, फॉरगेटिंग टू पे द बिल ऑन टाइम। सपोज आपने ये सेट किया है कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने की 5 तारीख को जनरेट होगा, तब हर महीने की 25 तारीख को आपकी ड्यू डेट होगी। अब मान लीजिए आपने 6 जून को अपने क्रेडिट कार्ड से 10,000 का एक मोबाइल फोन खरीदा, तो आपको 25 जुलाई को 10,000 बैंक को वापस करने होंगे। पर अगर आप 25 जुलाई को पैसे वापस करना भूल जाते हैं, तो आपको इमीडिएटली 35% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपने पैसा 26 जुलाई को रीपे किया, तब आपको सिर्फ एक दिन का इंटरेस्ट ही नहीं, बल्कि आपने जिस दिन से वो चीज़ खरीदी, यानी 6 जुलाई से 26 जुलाई तक का टोटल 50 दिन का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो अगर आप एक दिन भी बिल पे करने में लेट हो जाते हैं, तब भी आप ट्रैप हो जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 3, विदड्रॉइंग कैश विद क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए ATM से कैश विदड्रॉ करते हैं, तो उसी मोमेंट से उस पैसे पर 35-40% पर एनम इंटरेस्ट अप्लाई हो जाएगा। तो आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश विदड्रॉल नहीं करना चाहिए। बट स्टिल बहुत सारे लोग डेबिट कार्ड कैरी करना भूल जाते हैं, तो कई बार इमरजेंसी में उन्हें क्रेडिट कार्ड से मनी विदड्रॉल करना पड़ता है, और वे डेब्ट ट्रैप के अंदर आ जाते हैं। अब आप ये सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद ये सोच रहे होंगे, हमें क्रेडिट कार्ड की भला ज़रूरत ही क्या है, जब इससे इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। पर बात यह है कि जो बेनिफिट्स आप क्रेडिट कार्ड से ले पाएंगे, वो आप किसी और तरीके से नहीं ले सकते। तो चलिए ये पता लगाते हैं एग्जैक्टली वो बेनिफिट्स है क्या। बेनिफिट नंबर 1, गेट एन इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर 50 days। सपोज आप या आपके परिवार में से किसी का बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है, और आपको ऑपरेशन के लिए 1,00,000 रुपए हॉस्पिटल में इमीडिएटली भरने हैं,
साथ में महीने के एंड में आपके सेविंग्स अकाउंट में इतना पैसा भी नहीं है कि आप ऑपरेशन के लिए पे कर सके। उस समय पर आप किससे पैसे उधार मांगेंगे? अगर आपके पास उस समय क्रेडिट कार्ड होगा और उसकी क्रेडिट लिमिट 1,00,000 रुपए होगी तो आप हॉस्पिटल का बिल क्रेडिट कार्ड से भर पाएंगे और अगले महीने ड्यू डेट से पहले आप पैसे अरेंज करके बैंक को वापस दे सकते हैं। तो ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में क्रेडिट कार्ड बहुत काम आ जाता है। बेनिफिट नंबर 2, रिवॉर्ड पॉइंट्स। ज्यादातर बैंक क्रेडिट कार्ड से खर्च हुए हर 100 रुपीज पर ₹2 का रिवॉर्ड्स पॉइंट कैशबैक के तौर पर देती है। एज अ रिजल्ट आप अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च हुए पैसों का 2% बचा सकते हैं। बेनिफिट नंबर 3, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। अगर आपको अलग अलग इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर या एप्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए तब आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने की जरूरत है, क्योंकि यह डेबिट कार्ड से नहीं हो सकता। अगर आपको भी ये सारे बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना ही पड़ेगा। बट फर्स्ट हमें क्रेडिट कार्ड्स के प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना पड़ेगा, तो चलिए अब उन्हें ढूंढते हैं। सलूशन नंबर 1, सेट द क्रेडिट लिमिट विद इन द कैपेसिटी। अगर आपकी मंथली इनकम 10,000 रुपीज है तब भले ही आपका बैंक आपको 1,00,000 रुपए तक की क्रेडिट लिमिट दे, आप उसे 5,000 पर सेट कर सकते हैं। अब ऑलमोस्ट हर क्रेडिट कार्ड में मोबाइल ऐप के जरिए क्रेडिट लिमिट डिजिटली सेट करने का ऑप्शन होता है, तो हमेशा अपनी लिमिट अपनी मंथली इनकम का हाफ रखें। इससे आप डेब्ट ट्रैप में किसी भी हालत में नहीं फंसेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर धोखे से आपके क्रेडिट कार्ड पर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो आपकी कैपेसिटी के अंदर ही होगा। इसके अलावा इमरजेंसी के हालात में आप इंस्टेंटली लिमिट मोबाइल फोन के जरिए ही बढ़ा सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, कीप द ऑटो डेबिट ऑप्शन ऑन। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो आपके बैंक के सेविंग्स अकाउंट से आपके क्रेडिट कार्ड का बिल अमाउंट ड्यू डेट पर ऑटोमेटिकली कट जाएगा। इससे आप बिल को टाइम पर भरने का याद रखने की प्रॉब्लम एलिमिनेट कर पाएंगे। सॉल्यूशन नंबर 3, कैरी क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड ऑलवेज टुगेदर इन एन एनवेलप। इससे अगर आप क्रेडिट कार्ड अपने साथ ले जाएंगे तो डेबिट कार्ड भी उसके साथ आएगा। जब भी आपको पैसा निकालना हो हमेशा डेबिट कार्ड का यूज करें, और जब भी आपको डिजिटली पे करना हो तो क्रेडिट कार्ड का यूज करें, ताकि आप मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट कर सके। ये प्रिंसिपल आपको ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करके ऑलरेडी डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी हालत में सारा पैसा वापस करें। अगर पॉसिबल हो तो पर्सनल लोन से रीपे करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से शायद आपको 35% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जबकि पर्सनल लोन से आपको मैक्सिमम 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका डेब्ट बर्डन कम से कम आधा तो हो ही जाएगा। और हमेशा अपने दिमाग में रखें कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड बिल भरे हमेशा फुल ड्यू अमाउंट भरे। बैंक आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने को बोलकर आपको डेबिट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेंगे, पर इस ट्रैप में कभी भी ना जाए, क्योंकि सपोज आपका फुल ड्यू अमाउंट 1,000 रुपीज है तो बैंक आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट 100 रुपीज भरने के लिए बोलेगा, और उसके बाद आप अपना क्रेडिट कार्ड का यूज कंटिन्यू कर सकते हैं। पर अगर आपने ऐसा किया तो आपको बचे हुए 900 रुपीज पर 35-40% इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो हमेशा फुल ड्यू अमाउंट पे करने का याद रखें। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अब लास्ट में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो इसी परेशानी से गुजर रहे हैं, और उनकी मदद करें। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोर विजडम, मोर सॉल्यूशन, बेटर लाइफ।